या अली मदद, अलवाइज अबू अली, वाइज नंबर 31। घूमना फिरना सलूक करना, इन सब बातों के अलावा हमें रूहानी साइड के ऊपर तो बेहिसाब हिदायत मिली है। मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार फरमाते थे कि तुम्हारे पीरों ने कुरान शरीफ की तफसीर तुम्हें गिनानों में बताई है। तफसीर कहते हैं खुलासे को, एक्सप्लेनेशन को, इंटरप्रिटेशन को, और यह बात बिल्कुल हक और सच है कि कुरान शरीफ पढ़ने वाला आदमी जो हकीकत में कुरान को जानता है उसको जगह जगह गिनानों के अंदर से वो चीजें मिलेंगी जो कुरान के अंदर हैं। कुरान की दौरवनी, कुरान की हिदायत, जिन्होंने उसको आसान समझ में आ सके, इस तरह से हमें अपने गिनानों के अंदर फरमाई हैं। मैं अपनी वाज़ों में कहा करता हूं कि कुरान शरीफ जो है उसके तीन भाग करो तो एक भाग, एक हिस्सा है उसके अंदर खुदा ताला ने किस्से, कहानियां, वार्ता, स्टोरीज बयान की हैं, पुरानी कौमों के, पुरानी बादशाहियों के, पुराने जो रसूल हैं, नबी हैं, उनके जमाने की स्टोरीज बयान की हैं। वन थर्ड कुरान जो है वो स्टोरीज है। सेकंड भाग जो वन थर्ड में है उसके अंदर खुदा तारा ने कायदा कानून, लॉ, इसका जिक्र किया है। और तीसरा हिस्सा जो है उसके अंदर खुदा ताला की अजमत, खुदा की बड़ाई, खुदा की मोहब्बत, रूहानियत, इश्क, नूर की बातें की हैं। वो जो हिस्सा जिसके अंदर किस्से, कहानियां हैं, वार्ताएं हैं, स्टोरीज हैं, वो खुदा ताला ने इसलिए बयान की हैं कि हमें उसमें से सबक मिले, लेसन मिले। और वो लेसन इस तरह से हमारे लिए सहला और आसान कर दिया कि हम उसको समझ सकें, और उसके साथ साथ हमको इस बात का भी ख्याल हो गया कि अगर खुदा राजी होता है तो रहम करके बरकतें देता है, सुख देता है, आबादी देता है।
और अगर खुदा नाराज होता है तो वो किस तरह से मिटा देता है, बर्बाद कर देता है। खुदा ताला ने बहुत सी ऐसी कौमों का नाम लिया है, जैसे कि आद, समूद, ऐसी कौमों का नाम है कि अल्लाह फरमाया कि मैंने आद और समूद की कौमों को इस तरह से मिटा दिया कि आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। और उसने अपनी रहमतों और बख्शिशों की जो भी जिक्र किए हैं, इन किस्से कहानियों के अंदर से हमें बहुत सी चीजें सीखनी और जाननी चाहिए। कुरान शरीफ में एक चीज बहुत ज्यादा है और वो तीनों भागों में है, यानी कंप्लीट कुरान में। किस्से कहानियों के जो भाग हैं उनमें भी, और जो लॉ है, कानून कायदे की बात की है उसके अंदर भी, खुदा का कुरान, खुदा का ये कलाम भरा हुआ है एक बात से, और वो है उसकी रहमत। जगह जगह उसने अपनी रहमत का जिक्र किया है। जहां जहां भी उसने झूठी पुरानी कौमों को सजा दी है, पनिशमेंट दी है, तो साथ साथ खुदा ताला ने अपनी रहमत का फिर जिक्र किया है कि खुदा के हुजूर में अगर तुम अपने गुनाहों की माफी चाहो और बदल जाओ, ठीक हो जाओ, तो खुदा की रहमतें बेहिसाब हैं। यही चीज मैंने अपने गिनानों के अंदर पाई। हमारे गिनानों के अंदर खुदा की रहमत के, खुदा की बड़ाई के, खुदा की बख्शिशों के बहुत जिक्र है। और इनमें खास करके पीर हसन कबीर दीन के जो गिनान हैं, इनके अंदर तो हद से ज्यादा नरमी और मिठास है। जैसी जैसी जरूरत पड़ी जमात के अंदर, हमारे पीरों ने तैसा तैसा उनको कलाम सुनाया। जिस तरह से हर जमाने के अंदर खुदा ताला ने अलग अलग जुदे जुदे नबियों को जुदे जमाने के अंदर जुदी शरीयत दी, इस तरह से हमारे पीरों के अपने अपने जाने के हिसाब से जमात का जो हाल था, जमाने का जो हाल था, उसके हिसाब से हमें गिनान बख्शे। हमारे सबसे पहले जो पीर है वो नबी मोहम्मद मुस्तफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। पीरी जो है, हम इसलिए पीर का नाम रखा कि नबी मोहम्मद के ऊपर नबूवत खत्म हो गई, रसालत खत्म हो गई, अब कयामत तक कोई भी रसूल या नबी नहीं आएगा, लेकिन उसका नूर कायम है, उसका नूर कायम है। और जिस व्यक्ति के अंदर, जिस पाक बदन में नबी मोहम्मद का नूर है, हम उसको पीर कहते हैं। ये जो पीर हैं वो पुठियों के पीर हैं। हम उनको भी पीर कहते हैं कि जिनको हमारे इमामों ने जुदे जुदे मौका के ऊपर पीर का दर्जा दिया। जैसे सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने के अंदर उनको पीर सफजली बनाया, सफजली को पीर जमा दर्जा दिया, और हसन अली शाहबाद के जमाने के अंदर वजीर इस्माइल गांगजी थे, उनको पीर दर्जा दिया। नासिर खुसरो पीर हुए। पीरों की औलाद को भी हम पीर कहते हैं, लेकिन ये लोग पुठियों के पीर नहीं थे, जिनको हम जामे का पीर कहते हैं। जामे का पीर, पुठियों का पीर नबी मोहम्मद मुस्तफा का नूर है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के फरमानों के अंदर 1903 का कच्छ का फरमान है कि रसूलुल्लाह जब गुजर गए तो उन्होंने पीर हसन को अपनी गादी बख्शी, और मौला अली जब गुजर गए तो इमाम हुसैन को अपनी गादी बख्शी। हजरत हुसैन इमाम बने, हजरत हसन पीर बने। ये सुल्तान मोहम्मद शाह का खुलासा है। इसी तरह से दीनदारों, इमामत है वो अली का नूर है, लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसे बहुत से जो आलिम उलमा होते हैं उनको भी उसकी इज्जत के हिसाब से इमाम कह देते हैं। नमाज पढ़ाने वाला जो आदमी होता है उसको भी इमाम कहते हैं। इमाम का मतलब लीडर। लेकिन हम जिसको इमाम कहते हैं,
हमारे मजहब के अंदर एक ही इमाम है, हजरत इमाम, वो अली का नूर है। तो पीरों में जिन्होंने जब हिंदुस्तान में तशरीफ आवरी की, सबसे पहले भी सतगुरु नूर हिंदुस्तान में आए, उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल अंधकार था मजहब के रूहानी हिसाब से दूर। तो सतगुरु नूर ने आके पहले पांव जमाए, अपना नाम नूरुद्दीन था उनका असल नाम, और यहाँ आके हिंदुओं से मिलके अपना पहरवेश यानी पोशाक ड्रेस भी बदला, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते थे, और आए उधर से इमाम मुस्लिम सिरदिल्ला के जमाने से इजिप्ट में से आए, दाढ़ी तो थी, लंबे बाल भी थे, सूरत में उतरे। सूरत वो जमाने के अंदर सबसे बड़ी पोर्ट थी, बॉम्बे के नॉर्थ में लगभग 150 माइल के फासले पे सूरत गांव भी है, और नदी आती है, पोरबंदर सूरत के नजदीक है, और पोरबंदर का जूना नाम सूरत बंदर है। सूरत आए और यहाँ आके इन्होंने अपना नाम सतगुर नूर रखा। जबान सीखी, ऐसी सीखी कि गुजराती के अंदर पोएट्री लिखी, गिनन लिखे। सूरत से लगभग 80-90 माइल पे नवसारी गांव है, वहां पीर सतगुरु नूर दफन है, और बहुत अच्छा आलीशान मकबरा टॉम उसके ऊपर बना हुआ है। इस सतगुरु नूर में आके थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन इस्लाम की, अपने गुजराती लैंग्वेज के जरिए से लोगों तक पहुंचाई। इनका काम सिर्फ इतना हुआ कि इन्होंने आके जमीन नकी की कि इस एरिया के अंदर वाड़ी बनानी है यानी गार्डन बनाना है, तो इन्होंने आके इस एरिया को कंट्रोल किया, क्लीन किया। इसके बाद और कुछ बहुत से पीर हुए, और बाद में लगभग 200 बरस के करीब, पौने 200 बरस के बाद दिशमस आए। दिशमस ने आके इस जमीन को खेड़ा, खेड़ने का मतलब यह है कि हल चलाया, अंदर की जमीन बाहर और बाहर की जमीन अंदर उथल पाथल थी, और उसके अंदर जो पत्थरे कांटे और खराबियां थी उसको दूर की और जमीन को बिल्कुल लेवल और क्लीन कर दिया। इसके बाद पीर सदरुद्दीन मशहूर हुए, हालांकि बीच में और भी पीर गए, जैसे कि पीर नसीरुद्दीन, पीर साहिबुद्दीन, और पीर शमस के पर पोतरे थे पीर सदरुद्दीन। फिर सदरुद्दीन ने आके इसके अंदर बीज डाला, इस जमीन के अंदर बीज डाला, बीज डाला और पानी डाला, और उसके बाद पीर हसन कबीर दिन जब आए तो इन्होंने इस जमीन के अंदर से जो छोड़ और स्प्राउट्स हुए, कलियां निकली, उनको दूसरे पंछी खा न जावे उसकी हिफाजत की, ध्यान रखा, और इसके बाद फल पैदा होने शुरू हुए, और ये फल चलते चलते आज तक वो फल चल रहे हैं। मैं ये जमात की बात करता हूं, हमारे पीरों ने हिंदुस्तान की सख्त जमीन में मेहनत करके जमात पैदा की, और उसके अंदर बहुत इन्होंने दुख उठाए, गांवों गांव घूमे फिरे। शमस माँ बाप ने 84 जमातखाने सिर्फ चाइना में, तिब्बत और चाइना में बनाए, 84 जमातखाने बनाए, और पिशमस पांव से चला करते थे, भूखे प्यासे रहते थे, दुख तकलीफें बहुत उठाई हमारे पीरों ने। इल्म जो कुछ हमको मिला वो पीर सदरुद्दीन के अंदर से ज्यादा मिला। पीर सदरुद्दीन ने बहुत एक्सप्लेनेशन दिए, क्योंकि उन्होंने बीज डाला, पानी दिया। इल्म है वो पानी है, और बीज है वो ईमान है। और पीर हसन कबीर दीन ने अपने आंसुओं से रो रो के, आजिजी करके, विनती करके, अर्ज करके, पीर हसन कबीर दीन के गिनान पढ़ो, उसमें रोने ही की बातें हैं। रोने का मेरा मतलब ये आजिजी, विनती,
मेहरबानी कर, कृपा कर। मेरे संत कबीर जी कहते हैं कृपा कर, मेहरबानी कर, यानी तू बख्शीश दे। तू बहुत महान है, तू बख्शीश देने वाला, बख्श देने वाला मुरारी है। तू जो राजी हो जावे तो जमीन आसमान की नियामतें मुझे मिल जावे, तेरी एक मीठी नजर चाहे। तुझ त्रुटे नव नंद पाऊं, तू जो राजी हो जाए। तो इस चार कड़ी के पाठ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कृपा, और दूसरी चीज है राजीपना, तुष्टमान होना, राजी होना। यही दो चीजें कुरान शरीफ में भरी हुई हैं, उसकी रहमत और उसका राजी होना, बख्शीश। इंसान की इबादत बंदगी सारी इन दो चीजों पे घूमती है, लेकिन इबादत टिकी हुई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाया कि इबादत को टिकाने के लिए, उसको उठाने के लिए, जैसे दो पिलर होते हैं, बहुत बड़ी छत हो गए तो उसको टिकाने के लिए बीच में पिलर रखते हैं। नबी फरमाते हैं कि इबादत को टिकाने के लिए दो पिलर हैं, एक है अस्तगफार यानी अपने गुनाहों की माफी मांगो, और दूसरा शुक्रगुजारी करो। लेकिन ये जो इबादत है उसको टिकाने की ये दो चीजों के अलावा जो ऊपर इबादत बैठती है, तो जो वो इबादत के दो ही रंग हैं, खुदा की रहमत और उसकी खुशी। जब वो खुश होता है तो बेहिसाब होता है, जब उसकी रहमत होती है तो बेहिसाब होती है। उसकी रहमतों का तो हिसाब हम गिन भी नहीं सकते। मौलाना इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, आपको जो कभी याद हो गए तो आज से बहुत बरस पहले, खासतौर पर अफ्रीका के अंदर जब कोई शख्स गुजर जाता था तो शाम को उसकी जो ज़ियारत होती थी उसके अंदर इमाम जाफर सादिक का रिसाला पढ़ा जाता था। अगर कोई आदमी सख्त है, सख्त यानी कठिन दिल वाला है, हार्ड नट है, उसको यह रिसाला दे दो नरम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इंसान की आखिरत की बातें की हैं और उसको जगाया है कि देख खुदा की रहमतें देख। एक जगह मौलाना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे, तू याद तो कर, उस परवरदिगार की रहमत याद कर, तेरे पैदा होने से पहले उसने तेरी रोजी पैदा की। यानी बच्चा जन्मे उसके पहले मां को धावन आ जाती है, कभी 8 दिन पहले, कभी कभी 15 दिन पहले मां को धावन पैदा कर देता खुदा ताला। तो इमाम जाफर सादिक इसकी तरफ इशारा करते हैं कि ऐ मेरे प्यारे, तू सुन, याद कर कि तेरे पैदा होने से पहले खुदा ने तेरी रोजी पैदा कर दी, वो कितना रहीम है। ये इशारा है इसकी तरफ कि तू अपनी रोजी रिजक की व्याधि चिंता न कर, उसने तुझे पैदा किया है, तेरे पैदा करने से पहले उसने रोजी है, ताकि तुझे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन इंसान खुदा की इस रहमत को भूल कर जब शुक्रगुजारी भूल जाता है और उस रास्ते पे चले जाता है कि जो रास्ता इसको पसंद नहीं, तो फिर खुदा की रोजी दी हुई वो भी हट जाती है, रोजी तंग हो जाती है। फिर इंसान रोजी ढूंढता है तो रोजी मिलती नहीं। आप लोग इधर आए, माशाल्लाह हर घर के अंदर टीवी सेट है। मुझे मालूम नहीं कि आप लोग रोज क्या देखते हो,
लेकिन अगर न्यूज सुनते हो दीनदारों, तो आप देखो कि दुनिया के अंदर कितना दुख है। लाखों करोड़ों आदमी जिनको खुदा ही ने पैदा किया है, क्योंकि वही बारी ताला है, वही खालिक है, क्रिएटर है, उसके बगैर और कोई नहीं, और उसके पैदा किए हुए, कभी इथियोपिया की बात सुनते हैं, कभी बोस्निया की बात सुनते हैं, कभी वो धरती कंप आ गया उधर महाराष्ट्र के अंदर, कभी सोमालिया की हाल देखो, और कई ऐसी जगह हैं। अभी ये आग लग गई 4-5 दिन पहले कैलिफोर्निया के अंदर, आग लग गई अच्छा, लेकिन खुदा ने 60-70 माइल की स्पीड से हवा को भेज दिया कि जो बचे हुए मकान थे वो भी जला डालो, काबू में ही नहीं आती। ये सब क्या है? उनके जब टीवी के अंदर उनकी पिक्चर देखते हैं, हड्डियां उसके ऊपर खाली चमड़ा है, गोश्त तो है ही नहीं, कभी कभी रो पड़ता हूं, है खुदाया कैसे गुनाह किए होंगे इन्होंने कि तू मां जैसा प्यार करने वाला, बल्कि इससे ज्यादा प्यार करने वाला खालिक रब्बुल आलमीन पालने वाला, तूने खुद के ऊपर अपनी रहमत लाजिम कर रखी है और ये कहा है कि पालने वाला मैं हूं, तो ऐ खुदाया इन्होंने कैसे गुनाह किए होंगे कि इनको रोजी भी मिलती नहीं, कीचड़ भी नहीं मिलता खाने के लिए। ये खुदा ताला का गजब है, जरूर कुछ हुआ है, हमें मालूम नहीं, वो बेहतर जानता है, वो जरूर कुछ अपनी रहमत को छुपा के ये काम करना पड़ गया उसको कि वो उनके ऊपर गजब उतारे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मौला हमें गुनाह से बचाए। नबी फरमाया करते थे कि इबादत के 2 पिलर हैं, एक शुक्रगुजारी है और एक अपने गुनाहों की मुआफी है, और इबादत जो है उस इबादत के अंदर उसकी रहमत की मांगनी करो और उसकी खुशी की मांगनी करो। इबादत और क्या है? हम इबादत को गुलामी कहते हैं। इबादत अरबी लफ्ज है और उसमें उसका मतलब है गुलामी, अब्द जो नाम है गुलाम को अब्द कहते हैं, इसीलिए मतलब के हर काम करो तो खुदा की मर्जी से करो। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि खुदा ने कुरान के अंदर जो कुछ भी फरमाया उसके 3 हिस्से करो, तो उसमें एक भाग है जिसमें लॉज हैं, ऐसा करो ऐसा ना करो। तो ये जो लॉज हैं अपने नबियों की मारिफत से उसने जमाने के हिसाब से बदलाते बदलाते अपनी मखलूकात को वो चीजें दी हैं। खुदा ताला ने दुनिया के अंदर इंसान को पैदा करने से पहले नबूवत बनाई, सबसे पहले हजरत आदम हमारे पहले नबी हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत शुरू हुई, जैसे कि मौलाना जाफर सादिक ने फरमाया कि तेरे पैदा करने से पहले खुदा ने तेरी रोजी पैदा की। तो खुदा ताला ने अब हमारी जिस तरह दुनिया के अंदर शरीर को टिकाने के लिए रोजी रिजक की जरूरत है, इसी तरह से दीनदारों हमारी रूहानी साइड को टिकाने के लिए हमको रूहानी रोजी रिजक चाहिए, रूह की गिजा रूह की खुराक चाहिए। शरीर के लिए जैसा खाना पीना जरूरी है, इस तरह से हमारी रूह को हमारी आत्मा को टिकाने के लिए भी उसके लिए खुराक है, और रूह की खुराक जो है वो खुदा ताला की इबादत है, उसकी याद है, इससे रूह नर्म होती है, रूह की ताकत बढ़ती है। खुदा ताला बारी है, अलबारी कहते हैं रूहों का पैदा करने वाला, और खालिक कहते हैं शरीर का पैदा करने वाला। शरीर मर जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन रूह को खुदा ताला ने पैदा किया, फिर रूह कभी मिटती नहीं, वो हमेशा कायम रहती है, क्योंकि रूह खुदा ताला के नूर का एक परतव है, उसका एक काम है, उसकी एक्टिविटी में है। तो रूह की खुराक क्या है? खुदा की याद, खुदा की याद, खुदा का जिक्र, खुदा का ख्याल, खुदा का ध्यान। मौलाना हजरत इमाम के
جو بیت الخیال کے فرمان ہیں آپ کبھی وہ پڑھو. اور ہم سنتے ہیں جماعت خانے کے اندر تو آپ دیکھو تو حضرت امام فرمایا کہ ہمارا دین ہے, ہمارا فرقہ, ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ صرف دعا پڑھ لینا کافی نہیں, ہم تو سارا دن خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. ہاتھ پاؤں سے ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, لیکن دل خدا تعالیٰ کی مستی میں رہتا ہے. اور ہر چیز کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں اے مولا یہ سب تیری رحمت ہے. جب ہم کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو ہم اس کی شکرانہ ادا کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب علیہ, معاف کر دے میرے اللہ مجھ کو, اے میرے پالنے والے میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ پھر نہیں کروں گا, یعنی توبہ کرتا ہوں. توبہ کا مطلب ہے نہ کرنے کا پرومس, برائی بدی گناہ نہ کرنے کا پرومس, اس کو کہتے ہیں توبہ. اور توبہ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, جیسے کہ استغفر اللہ ہے یہ توبہ ہے. مولانا امام حسن ہمارے پیر حسن بیٹھے تھے, بہت علم تھا ان کے پاس, غیر قوم کے لوگ بھی ان کے پاس اپنے علم کے سوال لے کے آیا کرتے تھے. تو پیر حسن بیٹھے تھے, ایک شخص آیا, ہاتھ باندھ کے عرض کی میرے گھر میں اولاد نہیں, آپ دعا کرو خدا مجھے اولاد دے دے. فرمایا اچھا استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرو. چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی, کہتی یا حضرت ہمارے گھر کے اندر بڑی تکلیف ہے, یعنی کہ میل ملاپ نہیں. حضور نے فرمایا استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرو. چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا, وہ بیماری کی شکایت لے کے آیا. تو پیر حسن نے فرمایا کہ اچھا تم استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرو. پانچ سات آدمی الگ الگ جدی جدی شکایت لے کے آئے, سب کو یہ ایک ہی پوری کی دی, ایک ہی دوا دی, استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرو. تھوڑی آرام ملا تو ایک آدمی جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک شخص نے کہا یا حضرت آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا. حضور فرمایا کہ دکھ تکلیف گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ایسی کوئی مشکل, ایسی کوئی تکلیف نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں, یعنی خدا تو کسی کو دکھ نہیں دیتا, وہ تو رحیم و کریم ہے. اس کے دل میں حسد نہیں, نندا نہیں, غضب نہیں. وہ غضب کرتا ہے تو حد سے زیادہ, جب ہی کوئی چیز ہو جاتی ہے پھر وہ پیٹتا ہے. اور خدا تعالی جب پیٹتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا, برباد کر دیتا ہے. مگر پھر بھی وہ سزا دینے میں بھی رحم کرتا ہے, کیونکہ اس نے ایک جگہ کہا ہے قرآن میں میں کسی بھی آدمی کی شکتی, سہن شکتی سے زیادہ دکھ نہیں دیتا, یہ اس کی رحمت ہے. تو مولانا حسن فرمایا کہ ہر مشکل, ہر تکلیف, ہر دکھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اس کے لیے میں نے کہا کہ تم اپنے گناہوں پہ توبہ کرو. اور مولا مرتضی علی کے حضور میں کچھ لوگ بیٹھے تھے, تو برکت کے لیے کچھ سوال نکلا. تو مولا مرتضی علی فرماتے ہیں کہ دیکھو خوبصورتی, تندرستی, مال دولت, روزی رزق, کپڑے لتے, مکان, سواری, گھوڑے, اونٹ وغیرہ, جو کچھ بھی انسان کی سہولت اور اس کے کمفرٹ کے لیے اس دنیا کے اندر چیزیں ہیں, اگر تمہیں چاہیے کہ اس کے اندر تمہاری برکت ملے, یعنی تمہاری ضرورتوں کے حساب سے تم کو چیزیں ملے, تو ہر وقت خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اور شکر الحمدللہ کی تسبیح نکالا کرو. اس سے روزی بڑھتی ہے, اس سے کمفرٹ بڑھتا ہے, انسان کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بڑھتی ہیں,
یعنی کہ اس کو برکت ملتی ہے، خدا تعالیٰ اس کی روزی کو شادہ کر دیتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ایک لفظ دیا ہے، فرمایا کہ تم دعا مانگو رزق کریمی، رزق کریمی، یہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں لفظ لکھا ہے. رزق کریمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق بھی ہمیں دے کہ جس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تو کریم بن کے، یعنی سخی بن کے. کریم کہتے ہیں سخی کو، کریم کہتے ہیں جنرس کو. تو ہم کو وہ چیزیں بھی دے کہ جو ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن بخشش دیتا ہے. جیسے کہ وہاب یا وہاب، اس کا مطلب یہ ہے مانگے بغیر دے دینے، اس کو وہاب کہتے ہیں. اور بخشش دینے والا، مثال کے طور پہ آپ نے $1 کا کام کیا ہے تو خدا نے آپ کو 2 دے دیے، یہ اس کی کریمی پن دیے، یہ اس کی کریمی پن ہے، یہ اس کو کہتے ہیں رزق کریمی. کام کیا $1 کا، اس نے $2-4 دے دیے، اب پھر سے اوپر سے بخشش دی، ہم اس کو ٹپ کہتے ہیں نا ادھر. تو خدا تعالیٰ کریم ہے، وہ رزق کریمی دیتا ہے. پھر اصل کا بھی دن کہتے ہیں کرپا کر، مہربانی کر، راضی ہو. دو ہی چیزیں مانگی، کرپا کرو اور راضی ہو. تجھ تروٹھے نو نند پامو، نو نند دنیا میں آج تک کسی شخص کو ملے نہیں. نو نند، نند کہتے ہیں نعمت کو، یہ نو کی نو نعمتیں آج تک کسی ایک انسان کے پاس نہیں ہوئی. کسی کو ایک دیتا ہے، کسی کو 2 دیتا ہے، بہت خوش نصیب ہوگا تو 5-6 ہوئیں گی، 8-9 تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے. لیکن پھر اصل کبھی دن کہتے ہیں کہ تو جو چاہے تو 9 کی 9 دے لے. میں 9 نعمتوں کا ذکر بہت دفعہ کر چکا ہوں کہ جس کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے، رسول اکرم فرمایا، وہ ہے ایمان کی. جب خدا تعالیٰ کسی کو ایمان کی بخشش دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں خدا تعالیٰ کا ایمان آتا ہے، تو رسول فرماتے ہیں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے. وہ رب العالمین ہے، خالق ہے، مالک ہے، قدرت والا ہے، قادر مطلق ہے. قادر مطلق کا مطلب ابسولیوٹ اتھارٹی، اس کے بغیر کوئی نہیں. جب ہمارے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے تو نبی فرمایا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، کیونکہ باقی سب چیزیں خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بعد ملتی ہیں. سب کا درجہ اس سے نیچے ہے. جو آدمی مومن ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ خدا کے فرمان پر عمل بھی کرتا ہے، اور عمل کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. خدا راضی ہونے سے اس کو بخشیشیں ملتی ہیں، اور خدا راضی ہونے کی وجہ سے اگر کبھی انسان نے کوئی اپنی ویکنس کے کارن سے، کیونکہ ہیومن بینگ ہے وہ ویکن ہے، بہت ویک ہے، غلطیاں کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں نیچرل مسٹیکس، تو اس میں وہ اپنی کرپا شامل کرتا ہے، اپنی رحمت شامل کر دیتا ہے، بخشش دے دیتا ہے. مولانا امام جعفر صادق ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ابو شاکر دستانی نام کا ایک مشہور ایتھسٹ تھا، یعنی کہ خدا کو نہیں مانتا تھا، مسلمان نہیں تھا، مذہبی نہیں تھا اس کو کوئی، اور وہ مشہور تھا کہ یہ آدمی خدا کو نہیں مانتا، دہریہ کہتے ہیں اس کو عربی میں. مولانا امام جعفر صادق مہینے میں 2-4 دفعہ، پھر بعد میں تو ریگولر ہو گئے، ہر جمعے کو دوپہر کی نماز کے بعد حضور بیٹھ جاتے تھے باہر، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے تھے. مولانا امام جعفر صادق واعظ فرمایا کرتے تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے. آج ہم اس کو سیمینار کہتے ہیں نا، کہ پہلے لیکچر ہوتے ہیں پھر سوال جواب ہوتے ہیں، تو یہ آدمی کھڑا ہو کے ایسے بہت قسم کے سوال جواب کیا کرتا تھا، اور ہمیشہ ڈیبیٹ کے طور پہ آرگیومنٹ کرتا تھا. ایک دفعہ اس بات کی آرگیومنٹ ہوئی
کہ خالق اکبر سب سے بڑا کریئٹر پیدا کرنے والا خدا تعالی ہے. اس نے وہ سارا لیکچر سنا, کچھ بولا نہیں, لیکن جب دوسری دفعہ ایک دو لیکچر نکل گئے تو ایک کانچ کے چھپے میں, یعنی کہ بوٹل میں یا ایسا کوئی برتن ہوگا, اس کے اندر کچھ جیوانت لے کے آیا. ابھی ایک نارمل خدا تعالی کے قانون کے اندر جو سرشتی کے رچنا کا قانون ہے اور سرشتی کے چلنے کا قانون ہے, اس کو ہم انگلش میں فزکس کہتے ہیں. اس لا کے اندر یہ سارا خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. دیکھو کسی جگہ بارش پڑی ہوئے اور ایک گنی بیگ اس کے اوپر یا کوئی کپڑا آپ پھینک دو, کیچڑ ہو یا مڈ, تھوڑے ٹائم کے بعد بارش ختم ہو جائے گی, سورج نکلے گا. تو یہ جو جگہ ہے اس کو کوئی ہلاوے نہیں, اسی طرح سے یہ کپڑا یا گنی پڑی رہے اور تھوڑا تھوڑا پانی کبھی برستا رہے, کبھی پانی برسے, کبھی سورج نکلے, اور اس کو نہ چھیڑا جاوے تو کچھ دنوں کے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے جرمز پیدا ہو جائیں گے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو کھا کے بڑے ہو جائیں گے. یہ بیکٹیریا جو ہے یہ بڑے ہو جائیں گے تو اس میں جیوانت آ جائیں گے لاروا کی طرح, اس میں جیو ہے. تو اس نے اس طرح سے یہ لاروا تھوڑا سا اکٹھا کیا اور تھوڑے پانی کے اندر ڈال کے ان کو مولا کے پاس لے کے آیا. کہتا ہے دیکھو یا حضرت, ان کا خالق میں ہوں, میں نے ان کو کریٹ کیا ہے. مولا بولے نزدیک آ, سینکڑوں ہزاروں آدمی بیٹھے تھے, نزدیک آیا تو حضور نے فرمایا اس کا خالق تم ہے. کہنے لگا ہاں میں نے پیدا کیا ہے اور اس طرح پیدا کیے. سوال تو ہو سکتا تھا لیکن مولا نے اس کو کٹ شارٹ اس طرح سے کیا, اچھا یہ بتا کہ اس میں نر کیا کون ہے, مادہ کون ہے, یعنی فیمیل کون ہے, میل کون ہے. چپ ہو گیا. سارے لوگ کھی کر کے ہنسنے لگے, شرمندہ ہو کے چلا گیا. اس لیے مولانا امام سلطان محمد شاہ دار فرمایا کرتے تھے کہ تم جو دنیا کی دعائیں مانگتے ہو مانگو, خوشی سے مانگو, لیکن ایک دعا روز مانگنا, اور خاص کر کے نیاز کی پیالی اٹھاؤ تو اس وقت یہ دعا مانگنا, یا مولا ہم کو حقیقتی سمجھ دے اور فرمان کر کے پی جاؤ. حقیقتی سمجھ, دی انڈرسٹینڈنگ آف ریالٹی, حق کیا ہے, سچ کیا ہے, ستیہ وستو جو ہے, ٹروتھ تک پہنچنے کی توفیق ملے, یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ روحانی چیز ہے, یہ علم کی حد ہے, اس کی بڑائی ہے. حقیقتی سمجھ ملے. حقیقتی سمجھ آنے سے انسان کے اندر سینس آف جسٹس پیدا ہوتی ہے کہ رائٹ کیا ہے, رونگ کیا ہے. پھر اس کو بڑے چھوٹے کا مان پتر کا خیال نہیں رہتا, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے. اگر یہ حق انسان کو پتا لگ جائے, اگر انسان یہ جان جاوے کہ حقیقت کیا ہے, تو وہ بہت سے نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں تقریباً ہر قسم کے گناہ سے وہ بچ جائے گا. اپنے عمل سے, اپنے کرم سے, اپنے اعمال سے, اپنی ایکٹیویٹی سے وہ یہ جان جاوے کہ یہ چیز کیا ہے, حق ہے. انسان کو اگر کسی آدمی کے پاس سے کچھ زیادہ مل گیا, مثال ایک دفعہ کیا ہوا, دار السلام کے بینک کے اندر سے میں کچھ چیک مٹانے گیا تو اس کے اندر 1000 شلنگ کی نوٹ زیادہ آ گئی. گھر آ کے میں نے تو پیسے لے لیے چلا گیا, گھر آ کے جب اس کا حساب کیا تو 1000 کی نوٹ اس میں شلنگ زیادہ تھے. آج سے 30-35 برس پہلے بہت بڑی رقم تھی. دوسرے دن میں جب وہ پیسے دینے گیا, اب یہ 1000 کی نوٹ دیکھ کے میرے دل میں تو یہی ہوا نا کہ یہ میرا حق نہیں ہے,
میرا حق نہیں. اگر میری نظر بد ہوئے یعنی میرے خیال خراب ہوئے تو اس کو یہ سمجھ کے چلو مزے کریں گے, لیکن اگر میں اس کو کھا جاتا تو مجھے عظیم نقصان ہوتا. یہ سمجھ کے جب پیسے واپس دینے گیا تو وہ افریقن ٹیلر تھا, اس کو میں نے جب یہ بتایا وہ رونے جیسا ہو گیا, کہتا ہے میری 2000 شلنگ تنخواہ ہے اور اس میں سے 1000 یہ نکل گئے, میں تیرا بہت شکر کرتا ہوں. میں بولا شکر خدا کا کرو, مجھ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہ پڑتی, مگر سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی کہ کون سی چیز ہمارے لیے حق ہے کون سی نہیں. مومنوں, ابھی بات نکلی اس باریک ریفائن بات کروں, آپ کے ادھر تو لفٹ ایلیویٹر نہیں ہے لیکن ہمارے درخانے کے اندر ایلیویٹر ہے. 20-25 برس کا جوان ہے, وہ اوپر نیچے ایلیویٹر میں جاتا ہے. ایک سٹوری ہے, ایک دن ایک لڑکے کو میں نے پکڑ کے کہا, بولا تجھے معلوم ہے ایلیویٹر ایک دفعہ اوپر سے نیچے جاوے کیونکہ بہت وزندار ہے, اس کے $250 خرچ آتا ہے ایک ٹرپ میں. آپ دیکھو تو صحیح اتنا ہمارے درخانے جماعت خانے کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارا خرچ کتنا ہے اور اس میں الیکٹریسٹی کا خرچ کتنا ہے. ہم کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا یہ میرا حق ہے کہ میں حضر امام کے پیسے $2.5 خرچ کروں ادھر محض اوپر سے نیچے جانے کے لیے؟ الحمدللہ میں کبھی نہیں بیٹھا, سوا کے جب سیکنڈ فلور کے اوپر جانا ہوتا ہے اور دروازے باقی کے بند ہوتے ہیں تو, اگر میں ہمیشہ سیڑھی سے جاتا ہوں. ہم جماعت خانے کا پانی یوز کرتے ہیں, ٹوائلٹ پیپر یوز کرتے ہیں, جماعت خانے کے کارپیٹ یوز کرتے ہیں, ہم یہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں. ہمارا حق نہیں ہے, یہ اس کی محض رحمت اور بخشش ہے. اس کے لیے میری اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک فرمان سناتا ہوں. مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ زاتار نے ایک فرمان کیا کہ جو لوگ دسوند نہیں دیتے وہ چور ہیں. تو کسی نے پوچھا یا مولا وہ کیسے چور ہیں؟ فرمایا کہ وہ جماعت خانے کی چٹائیاں, بجلی, پنکھا, جو کچھ بھی یہ جماعت خانے کے اندر ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن دسوند نہیں دیتے. تو وہ ان لوگوں کے جو دسوند دیتے ہیں اور جماعت خانے میں خرچ کرتے ہیں ان کے یہ لوگ چور ہیں کہ جو دسوند نہیں دیتے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہر قدم قدم اور ایکشن کے اوپر ہمیں اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ میرا یہ عمل برابر ہے. ٹیلی فون اٹھایا, ہیلو فلانا آدمی, اگر اس طرف کوئی کڑوا ہونے تو کیا ہے, ٹیلی فون رکھ دیا. اب یہ جو ایک قسم کی روڈنیس ہے, کیا سچ مچ حق ہے کوئی آدمی؟ بہت سے لوگ ہیں جو روڈ ہیں. روڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھاچرے ہیں, پرواہ نہیں کرتے. یہ چیز مغروری اور بڑائی ظاہر کرتی ہے. اس کی طرف دیکھو, اگر وہ روڈ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو ایسی ہماری زندگی کی چھوٹی بڑی تمام چیزوں کے اندر ہم خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے اگر ہم اپنے اعمال کریں تو پھر اس کی مہربانیاں اترتی ہیں, وہ کرپا کرتا ہے. کبھی کبھی پرانی باتیں یاد آ جاتی تو ریپیٹ بھی ہوتی ہیں. میں نے اسی جماعت خانے کے اندر ایک دفعہ بات سنائی تھی کہ کس طرح سے نمرود کو شیرنی کا دودھ پلا کے خدا نے بڑا کیا اور یہی نمرود بڑا ہو کے خدائی کا دعویٰ کیا, خدا کا سامنا کیا. یہاں ایک اتنی رحمت کی خدا تعالی نے کہ یہ پیدا ہوا ایک دن کا تھا, اسٹیمر میں جاتے تھے لوگ یعنی بوٹ میں, اللہ نے حکم کیا ہے ملک الموت اس بوٹ کو دبا دو,
कहते या अल्लाह इसमें एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, फरमाया इसकी माँ को भी मार डालो और इसको उसकी छाती पे रख दो, एक प्लैंक के ऊपर इसको डाल दो, बाकी सबको फना करो। तो मलकुल मौत जूझने लगा, मगर अल्लाह का हुक्म था, माँ को भी मार डाला, एक लकड़ी के तख्ते पे उसको लिटा दिया और ये एक दिन के बच्चे को उसके सीने पे सुला दिया। रसूलुल्लाह ने एक दिन मलकुल मौत को पूछा था कि तूने इतनी जानें कब्ज की हैं, कभी तेरे दिल में दया आई? तो वो जवाब देता है कि या नबी, एक वक्त ऐसा हुआ कि ये एक दिन का एक बच्चा समुंदर के अंदर, इधर मछलियां हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, इर्द गिर्द कोई जगह नहीं, और यहाँ ये किस तरह से पलेगा, और माँ को भी मार डालने का हुक्म हुआ। तो या नबी, मेरे दिल में बहुत दया आई लेकिन अल्लाह का हुक्म मैं तोड़ नहीं सकता। दूसरी दफा कहते या नबी, नमरूद ने जन्नत बनाई और जन्नत के दरवाजे के ऊपर खुदा ताला ने, जन्नत के दरवाजे के ऊपर खुदा ताला ने हुक्म किया इसको मार डाला। अरे भाई, उसने इतनी बहुत जन्नत बनाई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आए मलकुल मौत, वो एक दिन का जो बच्चा था वो यही नमरूद था। वहां खुदा ताला की इतनी बड़ी रहमत कि यहाँ इसने आके फिर खुदा का दावा किया। मगर खुदा ताला हमेशा इम्तिहान लेता है, परीक्षा लेता है, इसलिए हमको हमारे इमाम ने फरमाया हमेशा दुआ मांगते रहो कि ऐ मौला परीक्षा नहीं लेना, ऐ मौला इम्तिहान नहीं लेना, क्योंकि हम वीक हैं। सब फरमाया एक परीक्षा तुम्हारे ऊपर पड़ी है मगर तुम उसमें भी पूरे नहीं, और वो परीक्षा है दसवंद की। दसवंद इतनी जरूरी चीज है, इतनी जरूरी चीज है कि हमारे पीर हसन कबीरदीन ने कहा है कि अगर तुम दसवंदी नहीं तो तुम दीन को नहीं जानते, तुम मजहब को समझ ही नहीं सकते। अगर दसवंदी नहीं हो तो तुम्हारे आमाल सड़ जाएंगे, जिस तरह से कोई झाड़ के मूड़िये सड़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो झाड़ मर जाता है, इस तरह से फरमाया कि दाढ़ दाढ़ पत्ते पत्ते सड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे अगर तुम्हारी दसवंद बराबर नहीं। तो दसवंद हमारे लिए एक परीक्षा है। इस दुनिया के अंदर माल की मोहब्बत सबसे स्ट्रांग है, माल से प्यार करने वाले बहुत ज्यादा हैं, और माल ऐसी चीज है दुनिया में कि औरत मर्द के अंदर झगड़े होते हैं माल की वजह से, बाप बेटे में लड़ाई होती है माल की वजह से, भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं माल की वजह से, दुनिया में हजारों मिसालें हैं। माल का प्यार बहुत बुरी चीज है, माल की मोहब्बत खुदा किसी को न दे। एक तक की एक दफा रोटी खानी वो इससे बेहतर है कि इंसान मिलियनर हो जाए और खुदा को भूल जाए, शुक्रगुजारी भूल जाए। माल की मोहब्बत से बचने के लिए खुदा ताला ने ये ज़कात और उश्र रखी, ताकि अपने हाथ से हम उसको निकालें छोड़ें। जो आदमी दसवंद देता है उसका दिल नरम रहता है, दसवंद देने से मौला की मोहब्बत ज्यादा होती है, दसवंद देने से हमको बरकत मिलती है, दसवंद देने से दिल के अंदर ऐसा भरावा यानी तसल्ली रहती है कि मेरा मौला बैठा है। दसवंद देने से बहुत सी बलाएं दूर से ही हट जाती हैं, क्योंकि दसवंद नर जीनु आहार कहिए, दसवंद जो है वो मौला का खाना है, और जो आदमी मौला का खाना खा जावे उसको दुनिया के अंदर कहां से बरकत मिलेगी। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि जो आदमी दसवंद खा जाता है वो दूसरे का माल खाने के अंदर कभी बेदरकारी करेगा? उसको तो मौका मिलेगा वो हजम कर देगा, लेकिन जो आदमी दसवंदी होगा वो दूसरे का माल कभी नहीं खाएगा। जो दसवंदी होगा वो हक पे रहेगा,
उसको बदी बुराई करने के लिए, बेईमानी करने के लिए बीक लगेगी, डर लगेगा। जसवंत जो है वो इंसान के दिल के अंदर नचिंत सोने की राहत पैदा करता है। रात को आदमी सो जाता है, उसको कोई गम नहीं होता, उसको पता है मेरा मौला बैठा है। और जो जसवंत के ऊपर फरमान है खसूसन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के और गिनान पीर हसन कबीर जिनके पढ़ो, तो इंसान को पता लगे कि दसवन इतनी बड़ी चीज है। क्योंकि जो दसवन है, दसवन माले वाजिब, वो हमारे दीन का पाया है। दो चीजें, एक तीन वक्त की दुआ बराबर पढ़नी और दसवन बराबर देनी, ये दो चीजें जो आदमी संभाल के रखता है वो अपने दीन पर मजबूत रहता है और मौला उसको बेईमान नहीं होने देगा और मौला उसको जमीन पे गिरने भी नहीं देगा। दुख तकलीफें तो आएंगी लेकिन मौला उसका हाथ पकड़ लेगा, उसको खुआर नहीं होने देगा, उसको बर्बाद होने नहीं देगा, वो हमेशा उसका मददगार रहेगा। दसवन आदमी कोई $100 कमावे और उसमें से 12.5 दे दे, कोई बड़ी चीज नहीं अगर उसका ईमान मजबूत है तो। दिनदारो, कृपा अगर खुदा की चाहिए तो उसने ये कायदा बनाया है। मैंने अर्ज की ना कि कुरान में 1/3 कुरान लॉज है, तो उसमें ये है कि तुम उस अल्लाह दो 10% अल्लाह के और 2.5% रसूल के ज़कात दो, ये 12.5% बनते हैं। और खुम्स की बात भी है कुरान शरीफ के अंदर। खुम्स ये है कि आपको एकाएक कोई चीज मेहनत के बगैर मिल गई, रास्ते में कोई चीज पड़ी मिल गई, थैली मिल गई, आपको लॉटरी लग गई, तो वो चीज के जिसके ऊपर आपके शरीर ने या दिमाग ने मेहनत नहीं की तो उसके लिए खुदा ताला ने खुम्स बयान किया 20%। खुम्स मीन्स 1/5। लेकिन हमारे इमामों ने हमको ये कह दिया कि तुम अगर अपनी रोजी कमानी में से, अपने नफे में से बराबर ये जो 10 और 2.5% दे दो तो बाकी इसमें सब कुछ आ गया, मैं कबूल करता। लेकिन इसके अलावा हमारे ऊपर ये भी है कि हमको अपनी रोजी रिजक में अपने सगे कुटुंबी हैं, अपनी फैमिली है, इनकी मदद करनी चाहिए। 7.5% उसके हैं कि हम अपने कुटुंब कबीले की मदद करें। और अगर कुटुंब कबीले में ऐसा मदद लेने के लायक कोई नहीं, सब अच्छे मालदार हैं, तो फरमाते हैं कि अपने यारों दोस्तों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, पड़ोसियों के अंदर, मतलब के आदमी को 20% अपनी आवक का यूज करना चाहिए खुदा के रास्ते में। 12.5% दसवंद है और 7.5% उसकी खैरात में आते हैं। नबी करीम फरमाते हैं कि खुदा कभी गुस्से हो जाए तो उसको ठंडा करने का एक रास्ता है। तो किसी ने पूछा, या नबी जल्दी बता। हुजूर फरमाया सदका करो। सदका यानी वो लोग के जो सख्त तकलीफ में है उनको खैरात दो, उसको सदका कहते हैं। सदका हम जमात खाने में नहीं दे सकते, सदका हमेशा गैर कौम के अंदर, गरीबों के अंदर, कोई भिखारी है, नादार है, बीमार है, इन लोगों को हम जो मदद करते हैं वो सदके में आता है। और नबी फरमाते हैं कि सदका करने से खुदा का गुस्सा ठंडा होता है। हमारी भूल चूक हो जाए तो और खुदा गजब करता है, इससे गुस्सा ठंडा हो जाता है। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के पास कोतूर पे जाया करते थे ना, हमेशा कोतूर पे गए, सलाम किया, कहते या अल्लाह ये फिरौन खुदाई का दावा करता है, ये दीन का दुश्मन है, हमको दुख देता है, इसकी वजह से मजहब फैलता नहीं, तू इसको खुदाया इसको तू बर्बाद कर दे। फरमाया अच्छा मूसा, तू मेरा नबी, अगर तू कहता है तो मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, 2 बरस लगेंगे। क्यों 2 बरस? फरमाया वो तू नहीं जानता। अच्छा 2 बरस हो गए, फिरौन तो बर्बाद ना हुआ। मूसा बड़ा हैरान कि खुदा का वादा पूरा ना हुआ, जाके कोहतूर पे अरज की, या अल्लाह क्या बात है, तूने कहा 2 बरस में, मूसा मैं क्या करूं, क्यों 2000 आदमी रोज उसका खाना खाते हैं,
2000 आदमी रोज उसका खाना खाते हैं, और ये 2000 में मेरे आबिद भी हैं कुछ, वो दुआ मांगते हैं कि ऐ खुदाया इसकी उम्र दराज कर, इसको तू बरकत दे, इसके ऊपर रहमत दे। वो इतने मासूम हैं, उनको ये मालूम नहीं कि ये खुदाई का दावा करता है, दीन का दुश्मन है, लेकिन इसकी तरफ से मिला हुआ रिजक जो मैं भेजता हूँ, लेकिन इसके लिए दुआ मांगते हैं। तो या खुदाया फिर क्या किया जाए? फरमाया तू इसका रसोड़ा, ये इसका किचन, ये 2000 आदमियों को खाना खिलाना, ये जो तू बंद कर दे तो ये बर्बाद हो जाएगा। मूसा नबी वापस आए, अपने मुरीदों को इकट्ठा किया और कुछ ऐसी चाल चली, मैं आपको शॉर्ट कहता हूँ क्योंकि यूं तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। वो रसोड़ा बंद हो गया, जैसे ये रसोड़ा बंद हुआ यानी 2000 आदमी को खाना पिलाना बंद कर दिया, फिरौन बर्बाद हो गया। हमारे मजहब के अंदर मैं 1938 की बात करता हूँ, आप में से कोई ऐसे शख्स होंगे कि जिन्होंने हबीब बैंक का नाम सुना है, पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर हबीब बैंक तो अभी लंदन में भी है। ये हबीब बैंक के जो ओरिजिनल लोग थे, इनको कहते थे कसारे वाले, ये लोग इस्माइली थे। 1938 में अप्रैल महीने में इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इसनाशरी बन जाते हैं, मजहब छोड़ के इस्माइली तो चले गए। वापा हुआ हमारे मजहब के अंदर, हमारी जमात में। अब मर्द लोग, एक शादी की बात थी जिसके ऊपर ये इसनाशरी मस्जिद में जाके साइन कर दिए, लेकिन इनकी माएं, इनकी घरवालियां, इनकी बहनें और एक भाई भी, ये लोग इस्माइली मजहब के ऊपर पक्के रहे और हमेशा घर के अंदर कजिया कंटाक्ट भी हो गए। अब अंदर खाने फिर ये हो गए, जाहिर में ये लोग इसनाशरी हो गए। अपनी जमात में अच्छी मजबूत पार्टी थी, मगर दिन ब दिन इनकी चढ़ती रहती थी। तो हमारे मजहब में, जमात में ऐसे लोग भी हैं जिनको इलम इतना नहीं होता था। सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में किसी आदमी ने 1945 के अंदर जिक्र किया कि खुदावन 7-8 साल हुए, इनकी तो चढ़ती होती रही है, ये तो दीन के दुश्मन बने, बैत तोड़ दी, ये किया वो किया। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, देखो उनकी सखावत बहुत है, इसके लिए उनकी बरकत बंद नहीं होगी। आज भी इनके हॉस्पिटल हैं, फ्री दवा देते हैं, इनके स्कूल हैं, फ्री सिखाते हैं, इनके ऑर्फनेजेस हैं कि जिसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है खोजा ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए। इन लड़कियों को, यतीमों को ये लोग पालते हैं, बड़े करते हैं। 18-20 वर्ष की उम्र में इन लड़कियों की, चाहे वो इस्माइली हो गए कि इसनाशरी हो गए, दोनों लड़कियां उधर जाती हैं, उनकी शादी करा देते हैं, शादी में बेच देते हैं, सारा खर्चा देते हैं, और इतना नहीं कि शादी करा के छोड़ दे रहे हैं, हर बरस 10-20 इस तरह से शादियां कराते हैं, और हर बरस इनका ध्यान भी रखते हैं कि ईद त्योहार आवे तो अपनी लड़कियों की तरह समझ के ये उनके घर में तोहफे और गिफ्ट वगैरह भेजते रहते हैं। इनकी बेहिसाब सखावत है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, जब तक इनकी सखावत टिकी हुई है ये लोग बर्बाद नहीं होंगे। रसूल फरमाया है कि खुदा के गुस्से को ठंडा करने के लिए खैरात करो, चैरिटी करो। मेरे पास बहुत दफा कि भाई बहन जब ये आते हैं ना कुछ पैसे की तकलीफ के लिए, तो मैं उनको कहा करता हूँ, रसून बराबर दो और इसके उपरांत थोड़ी सी खैरात करो, थोड़ी सी खैरात करो। ऐसा कोई लाजिम नहीं है कि 50% करो कि 10% करो, मगर कुछ ना कुछ इंसान को खैरात करनी चाहिए, और खैरात ऐसी जगह करो कि वो फले। ऐसे खराब आदमी को कि जो उस पैसे से बदियां करे, गुनाह करे, वो खैरात नहीं, वो तो आपने उसको उत्तेजन दिया। तो खुदा ताला के इस दरबार में हमारी रूहानियत को सीधा करने के लिए, रूहानियत में ऊंचा उठने के लिए, मौत के बाद आखिरत सुधारने के लिए, खुदा ताला के नूर तक पहुंचने के लिए, दुनिया के अंदर भी दुनिया की चीजें करनी चाहिए और रात को उठ के खुदा ताला की इबादत करो, दिन को भी उसको याद करते रहो, रात को तो नींद छोड़ के अपनी तकलीफ उठा के भी उसको याद करो, इबादत करो। दिन दुनिया में मौला इसका ये वज़ देगा, चढ़ती करेगा। सुखी आबाद रहो।
मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ देवे, बदियों से, गुनाहों से, नाफरमानी से बचावे, दिन दुनिया की नियामतें देवे, बख्शिशें देवे, रूहानी ताकत देवे, रूहानी बरकतें देवे। मौलाना हज़रत इमाम हमेशा आप पर राजी रहे, नेक उम्मीदें पूरी करे, रोजी रिज़्क पाक कमानी में बरकत देवे, दस्तन सुकरीत में पूरा रखे, फरमान बरदार बनावे, आबिद बनावे, मौला परहेजगार बनावे, खुशियां बरकतें देवे, सुखियाबाद रहो। आई